आज हम जानेंगे गले में दर्द के कारण, लक्षण और उसके इलाज करने के तरीके। रोज़ ओपीडी में बहुत पेशेंट्स देखे जाते हैं जिनकी तकलीफ केवल गले में दर्द होती है, पर हर पेशेंट का गले का दर्द सेम नहीं रहता। गले के दर्द के बहुत कारणों में से सबसे आम कारण है गले में चोट। गले में चोट के कारण हो सकता है कोई गर्म चीज़ खाना या कोई नुकीली चीज़ से होने वाली चोट। दूसरा सबसे ज़्यादा देखने वाला कारण है गले में इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो सकता है वायरस का या बैक्टीरिया का या फंगस का। तीनों प्रकार के इन्फेक्शन भले ही दर्द एक प्रकार का दे, पर उनका उपचार करने की प्रक्रिया बहुत अलग है। गले में दर्द के साथ पेशेंट्स को सर्दी खांसी, खाने पीने में दर्द, आवाज़ में बदलाव या बुखार भी हो सकता है। गले का दर्द होते ही जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ताकि उसका कारण जान के उस पर सही उपचार शुरू कर सके। ट्रीटमेंट मामूली पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक्स तक की हो सकती है, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सब गले के दर्द में एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी दर्द या ज़ख्म बहुत होने पर डॉक्टर को कोई स्कोपी या स्कैन करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जिन पेशेंट्स के गले का दर्द काफ़ी वक्त से है और जो दारू या सिगरेट लेते हैं उनमें कैंसर का धोखा बहुत बढ़ जाता है और उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मुझे आशा है कि मैंने आपके गले के दर्द के बारे में जो भी शंकाएं थी वो दूर की है। अगर आपको और कोई शंकाएं है या गले का दर्द है तो मुझे डॉक्टर निर्मय कामले को इनामदार हॉस्पिटल में भेंट दे सकते हो।